रूप अलंकार ज्वेलर्स, गढ़देवी चौक गढ़वा, सोने चांदी के आभूषणों का उत्तम कलेक्शन। प्रखंड मुख्यालय स्थित जामा दो उच्च विद्यालय कांडी में सोमवार को 10वीं क्लास के 24 छात्र छात्राओं व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री के द्वारा विद्यालय के प्रधान अध्यापक अरविंद कुमार का घेराव किया गया। घेराव करने पहुंचे छात्र तबरेज आलम, गुलाम दस्तगीत, जहीर अंसारी, गुलाम रसूल, राजू मेहता, रूपेश कुमार, अविनाश विश्वकर्मा, आशीष कुमार के अलावा अन्य छात्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले मैट्रिक परीक्षा के लिए विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच फॉर्म भरवाया गया था। जैक द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार सभी दस्तावेज के साथ छात्रों ने विद्यालय में फॉर्म भरकर जमा किया था। कुछ दिन बाद जब 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं के बीच एडमिट कार्ड का वितरण होने लगा तो बच्चे विद्यालय पहुंचे तो पता चला कि उनका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होने के कारण एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है। वहीं नगर मंत्री राजन कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक को 48 घंटे का समय दिया गया है और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 48 घंटे में इन लोगों का समाधान नहीं हो पाता है तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी विद्यार्थी परिषद। इस संबंध में प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ने कहा कि शिक्षक को जैक में सुधार हेतु भेजा गया है, 95% उम्मीद है कि इन लोगों का सुधार हो जाएगा, जबकि सभी नाराज बच्चों ने प्रधानाध्यापक को नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी छात्र छात्राओं के भविष्य अंधकार में हो गया, एक साल का समय बर्बाद हो गया। में आज मतलब जो पहले अभी रजिस्ट्रेशन में कुछ बच्चे छूट गए थे, 24 बच्चे के लगभग, तो आप वहाँ अभी गए थे, प्रधानाध्यापक से मिले, क्या कहे आपको, क्या आश्वासन मिला प्रधानाध्यापक के द्वारा? प्रधानाध्यापक के पास हम गए और उन्होंने कहा कि जो 24 बच्चे के जो रजिस्ट्रेशन छूट गया है और हम काम उसका अभी करा रहे हैं, प्रक्रिया चल रहा है, मतलब 48 घंटे के अंदर वो हमको न्यूज़ देंगे कि हाँ बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसे हमको उन्होंने आश्वासन दिया। किसने आश्वासन दिया 48 घंटे में हम ऐसा इन लोगों का मतलब क्या बोले वो 48 घंटे में मैं क्या करूँगा, क्या बोले 48 घंटे में? उन्होंने हमारे जो कांडी प्लस टू के हमारे जो प्रधान अध्यापक हैं उन्होंने बोले कि हम 48 घंटे के अंदर टाइम आपको हम दे रहे हैं, आपको हम बच्चों लोग का एडमिट कार्ड दिलवाने का कोशिश पूरा करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा संभव है। 100% गारंटी उन्होंने हमको नहीं दिया कि बिल्कुल हो जाएगा, उन्होंने कहा कि कोशिश चल रही है कि संभव तक हो जाएगा। कहाँ से बात चल रहा है? उन्होंने बोले कि रांची काउंसिल में हमारे कुछ टीचर लोग गए हैं जी, इसके संबंध में रांची काउंसिल में गए हुए जी जी बिल्कुल, जैक से बातचीत चल रहा है। तो मतलब आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट, अब 48 घंटे उन्होंने हमको टाइम दिया है, अगर 48 घंटे के अंदर अगर बच्चों लोग का एडमिट कार्ड नहीं बना, वो सूचना नहीं मिला कि बन गया, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जी, किया जाएगा, ऐसा होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांडी प्रखंड का नगर मंत्री। नगर मंत्री जी, छात्र हित में जो भी गलत हो तो हम वहाँ हमेशा खड़ा हैं, खड़ा ही रहेंगे, और छात्र के साथ जो अन्याय करेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद। दिल्ली गए हैं, बोले किस तरह से हम प्रक्रिया में लगे हैं, बहुत चांस है कि हो जाएगा, है ना जी, देखिए भरोसा रखे कि वही सब बच जाएगा। हम इंसान हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इसके, और कोशिश के लिए हम कल ही रात को भेजवाए हैं। देखिए वो लोग प्रक्रिया में है, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे का अब हम घंटा तो नहीं फिक्स कर सकते, लेकिन वो प्रयास में है, चार टीचर को यहाँ से भेज रहे हैं, 12 घंटा भी समय दिन में, चाहे 10 घंटा हो, रात में भी हो, सुबह भी कल रात को मतलब माने 3 बजे के आसपास में सब लोग निकलेगा जी, हाँ कौन सी मतलब भरोसा रखे कि हो सकता है, हम भगवान तो नहीं है लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, अभी बात भी कर रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोसेस में चल रहा है, कहीं ज़्यादा चांस से हो जाना चाहिए।
शाम से हो जाना चाहिए। हाँ वो तो है, ठीक अच्छी इतना जल्दी नहीं रहा सर, जो है कि प्रयास में है, अगर आगे हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ऑफिस में तो मेरे कल 10 बजे तक मिल जाएंगे ना, ये हम समय नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो लोग प्रयास करेंगे। हम अपने स्तर से ऑर्डर ही करेंगे, हमने सेक्शन वाइज शिक्षकों को नाम से ऑर्डर कर दिए। आपने फाइनल रिपोर्ट चेक किया कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, नहीं हम जब हम पूछे कि जितने बच्चे गढ़वा पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।